गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर आलम, अंग्रेज़ी विषय का मैं शिक्षक हूँ। मेरा स्कूल विद्यालय रामचंद्र सिंह बनमाली बाबा कन्या उच्च विद्यालय चांदौरिया। चूँकि आप लोग का मैट्रिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो उसकी तैयारी को देखते हुए गया गाइडेंस प्रोग्राम में एक कार्यक्रम लाया है कि मैट्रिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर से ये स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हों। आज मैं अंग्रेज़ी विषय से संबंधित बातें बताऊंगा, जो पैनारामा पुस्तक आपका है उसी विषय से। तो पहला मैंने ये लिया है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच आप लोग को पढ़ना है। एक्सेप्टेंस स्पीच के लिखने वाले कौन हैं? आंग सैन सू की, जिनका जन्म 19 जून 1945। आंग सैन सू की से आप भली भांति परिचित होंगे। ये बर्मा के एक नेता भी रहे हैं और डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। इसमें वो जेल भी गई, उन पर बड़ी प्रताड़ना हुआ, इसलिए कि वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट था, है ना, जिसको जनता गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहते हैं, वो हुकूमत थी वहाँ बर्मा में, जिसको जनता नहीं बल्कि उसका प्रोनाउंसिएशन है हुंता। हुंता यानी कि सरकार थी, बहुत ही कठोर प्रशासन प्रशासक था वो, और वहाँ डिक्टेटरशिप था लागू। तो उसी की लड़ाई के लिए, प्रजातंत्र को वहाँ बहाल करने के लिए आंग सान सू की बहुत कोशिश की। अब उसके बारे में जानेंगे। एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्ट के माने होता है स्वीकार करना, वर्ब, उसी से बन गया एक्सेप्टेंस, ये नाउन हो गया स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस स्पीच। लिखने वाले आंग सान सू की है। आंग सान सू की बॉर्न ऑन 19 जून 1945 को उनका जन्म हुआ इन रंगून। रंगून इज ए प्रो डेमोक्रेसी। प्रो डेमोक्रेसी माने यानी समर्थक थे, समर्थक थे वो प्रजातंत्र के। एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा के वो लीडर थे, एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, ये सब बहुत करने वाले थे। ही वन द रेस्टो प्राइज एंड द सकारोफ प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1991। और 1991 भी उनको पुरस्कार मिला, जैसे रेस्टो अवार्ड हो गया में। और ये सब फिर स्पीच भी दिया यहाँ। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर वाज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की बाय हर सन अलेक्जेंडर एरिस ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबिलिटी। मतलब है कि वो जिस वक्त इनको घोषित किया गया पीस प्राइज के लिए, शांति के लिए, तो उस वक्त वो जेल में थी। कौन? आंग सान सू की। अब जेल में थी तो वो तो जा नहीं सकती थी वहाँ। परिणाम ये हुआ कि उनका बेटा अलेक्जेंडर एरिस खुद ही ओस्लो गए, यानी कि वो प्राइज, शांति प्राइज, नोबल प्राइज का लेने के लिए। तो उन्होंने ही ये स्पीच दिया, उनके बेटे यानी कि अलेक्जेंडर एरिस ने, समझे ना, एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृति का भाषण, समझ गए। देखिए लिखा, एरिस सेज, वो क्या कहते हैं, आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टूडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर आंग सान सू की दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइज। मतलब है कि मैं अपनी माँ की तरफ से, ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ माने ओर से, समझे ना, कि उनकी ओर से मैं आया हूँ। चूंकि सिंस शी वॉज इन जेल, दैट इज वाई शी इज अनएबल टू कम हेयर, ऑन बिहाफ ऑफ दैट माई मदर आई हैव कम हेयर टू रिसीव दिस नोबेल प्राइज। तो वो कहते हैं कि हम उन्हीं के स्थान पर, इसलिए वो जेल में है, उनको अनुमति नहीं मिली, तो अब आए आगे। आई विल डू माई बेस्ट टू कॉन्वे द सेंटीमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस। और मैं वही बात करूंगा, अगर वो यहाँ होती
if she had been here, she would certainly say that things which I am going to express before you. अगर वो यहाँ आती तो वही बात करती जो मैं कहने जा रहा हूँ. क्या था पॉइंट? There is the prize and there will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. और ये जो prize मिल रहा है सिर्फ Aung San Suu Kyi को नहीं मिल रहा है, Aung San Suu Kyi नहीं मिल रहा है, बल्कि ये गर्व की बात है बर्मीज लोगों के लिए, बर्मा के यानी के निवासियों के लिए, कि उन लोगों को ये प्राइज मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है. And no one must underestimate the plight of Burma, Burmese people, the plight of those in the countryside and town living in poverty and destitution, both in prison, battle and torture. And no one must underestimate. और किसी को भी नहीं चाहिए underestimate माने कम करके उसको तोलना, underestimate. कोई इस बात को कम करके नहीं तोले कि तू बर्मा में कोई तरह की परेशानी नहीं है, किसी तरह का दमन पड़ताड़ना नहीं है, ऐसा कम करके नहीं देखे, समझ गए. और जो कंट्री साइड में है, देहात में है, जो अभी भी जेल में है, वो सब का द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट दिस फार डिस्टेंट लैंड देयर सफरिंग हैज बीन हर्ड एंड हीडेड. और आज जो है इस पुरस्कार को जो मेरी माँ को Aung San Suu Kyi को मिल रहा है, आज बर्मीज लोगों को, बर्मा के निवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि वो अपने सर को आज उठा के थोड़ा कहेंगे कि हमारे लीडर नेता ने जो कार्य किया है हम लोगों के लिए, स्वतंत्रता को यहाँ फिर से बहाल करने के लिए, और जो पुरस्कार थे तो गर्व से सर उठा के कहेंगे आज, समझिए ना. और फिर इतने दूर दराज, डिस्टेंट माने दूर दराज, रिमोट माने दूर दराज, की बात को सुनी गई, समझे ना. हीट मीन्स ध्यान दिया गया, उनकी बात को सुना गया और दिया गया. ऑस्लो कहाँ है? अमेरिका है. और कहाँ यानी कि बर्मा है ना. और उसके इतने दूर दराज मुल्कों में भी हमारी प्रताड़ना को, हमारे जो ऊपर जो संकट आए हुए हैं, जिस तरह से ये शासक जो है सरकार डिक्टेटरशिप जो लागू है यहाँ, उसको वो देख रहे हैं, उन बात को सुनी गई. अब आइए यहाँ इन द ऐसे एक्सेप्टेंस, इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, वो तो सुन लिया. अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे मैट्रिक में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो क्या है? जैसे इन द ऐसे एक्सेप्टेंस अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच. अलेक्जेंडर एरिस ने अपने भाषण को दिया, कहाँ दिया? अब देखिए ऑप्शन है टोक्यो, ऑस्लो, दिल्ली, नवन. हाँ ऑस्लो मतलब अभी है ना, ऑस्लो में दिया है ना. अब दूसरा है हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस इन 1913 मिला, जिसे पुरस्कार नोबेल शांति अवार्ड में मिला, किसको मिला? अलेक्जेंडर एरिस है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम है, Aung San Suu Kyi है, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं. किसको मिला? Aung San Suu Kyi को मिला, अलेक्जेंडर एरिस को नहीं मिला. वो तो सिर्फ भाषण देने के लिए गया, वो लेने के लिए गया था पुरस्कार का, इनको ये हो गया. Aung San Suu Kyi आ जाएगा सी में. अब देखिए थर्ड में Aung San Suu Kyi इज द लीडर ऑफ, वो नेता थे कहाँ के? भूटान, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, कहाँ के? बर्मा का हो जाएगा, बर्मा की थी ना. अब आइए यहाँ क्वेश्चन आंसर. इसी प्रकार हम तीन यानी के उदाहरण के रूप में दिया, इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप आएंगे. और फिर हम और भी दिया है होमवर्क, उसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा. अब आइए यहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस प्रकार का आते हैं वो सब देखिए. Who was awarded the Nobel Peace Prize in 1991? किसको यानी 1991 में यानी कि पुरस्कार किया था, किसको सम्मानित किया गया था? देखिए यहाँ है Aung San Suu Kyi, फ्रीडम फाइटर ऑफ बर्मा, वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 1991. यानी Aung San Suu Kyi को, जो फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, लड़ने वाली थी, उनको यानी कि यह अवार्ड प्राप्त हुआ 1991 में, है ना. आंसर मिल गया. अच्छा फिर है वेयर डिड एरिस डिलीवर हिज स्पीच. डिलीवर माने कहना, बोलना. डिलीवर इसने अपने भाषण को कहाँ दिया? तो देखिए एरिस डिलीवर्ड हिज स्पीच इन ऑस्लो. कहाँ दिया था स्पीच? भाषण ऑस्लो में दिया था, समझे ना. व्हाइल ही वाज रिसीविंग गेस्ट अवार्ड एट दैट टाइम ही डिलीवर्ड दिस स्पीच. जिस वक्त ले रहे थे उसी वक्त ये भाषण दिया. हो गया आंसर, बहुत छोटा छोटा है, समझे. अब ये देखिए वंस अपॉन अ टाइम का,
वो फिगर था वो वंस अपॉन टाइम का, उसमें तरीका देखिए वंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन टाइम के माने होता है किसी ज़माने में। अब वो ज़माना 1000 साल पहले रहे, 200 साल पहले रहे, वंस अपॉन टाइम यानी किसी ज़माने में, ये शीर्षक है टाइटल। टोनी मॉरिसन, इसके लिखने वाले कौन है, टोनी मॉरिसन लिखने वाले, इसको भी याद रखना आता है हमें, तो हु इज द एडिटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम, आपको लिखना होगा टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन, टोनी मॉरिसन वाज द 8th वुमन एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज लाइफ, ये पहली औरत है समझे ना, और ये 8वीं औरत है। अब उस वक्त तक जो नोबेल प्राइज मिला था मतलब 8वीं औरत है ये नोबेल प्राइज में चलेगा, एंड द फर्स्ट इन लिटरेचर था, एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमन, और फिर ब्लैक वुमन समझे ना, यानी कि आपको नेग्रो काले होते हैं नेग्रो सब समझे ना, तो उस वुमन में यानी कि वहाँ वो पहली औरत थी ब्लैक वुमन में टू रिसीव द नोबेल प्राइज 1990, जिनको यानी 1993 में ये पुरस्कार मिला समझ गए, इन लिटरेचर साहित्य में। शी ऑल्सो वन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, और फिक्शन के लिए उपन्यास के लिए यानी कि उनको यानी कि पुलित्जर प्राइज मिला है। हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम वंडरफुली एग्जिबिट्स हाउ द प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस एंड बिग रिवॉल्यूशन, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है मतलब भाषा किस प्रकार के, किस प्रकार का परिवर्तन क्रांति ला सकता है लैंग्वेज ऐसा है, अगर उसको अच्छी तरह से बोला जाए ये बताया जाए इसमें तो वो तो क्रांति ला देता है। तो उन्होंने कहा हर स्पीच वंस अपॉन टाइम फुल्ली एग्जिबिट्स माने होता है प्रदर्शित करना, क्या बताता है कि वो लैंग्वेज जो है भाषा वाइब्रेंट होना चाहिए और लिविंग होना जानदार होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए, ऐसा ना कि ऐसा भाषा में लिखे कुछ यानी कि आदमी कोई रुचि नहीं हो, वो वाइब्रेंट जिसके सुनने के बाद एक क्रांति आ जाए, होता है ना पेपर में बार दफ़ा ऐसा लिख देता है कि बस कहीं चारों तरफ हल्लाहल्ला हो जाता है कुछ लिखना है, तो वही कह रहा है वाइब्रेंट होना चाहिए जीवन का लिविंग जानदार। शी इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर ऑफ सच ए लीडिंग हु बिलोंग टू ए बैकवर्ड बैकवर्ड से ले ब्लैक कम्युनिटी, उसमें उन्होंने कैरेक्टर को दर्शाया मतलब वो अंधी वो औरत है वो ब्लैक है यानी कि अश्वेत समझे न आपको, यानी कि गोरे नहीं है काले रंग है, और उसके बाद सलेव है दासी है गुलाम है, उसको उसने चुना है समझे ना, वो ब्लैक वुमन जो है उस कैरेक्टर को लॉन्गली बैकवर्ड सलेव ब्लैक कम्युनिटी समुदाय का है। शी वाज ओल्ड एंड ब्लाइंड बट वाइज, वो तो औरत जो है अंधी है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है और अकलमंद है समझे ना। शी लिव्ड इन ए लॉन्गली प्लेस, वो लॉन्गली लॉन्गली माने सुनसान, लॉन्गली का मतलब लिख देते हैं सुनसान, लॉन्ली माने अकेला भी होता है, लॉन्ली वहाँ प्लेस है लॉन्ली माने अकेला भी होता है और उसके बाद सुनसान भी होता है, सुनसान समझे ना, सुनसान समझते हैं कि कुछ नहीं कुछ है सुनसान, वहाँ क्या है शिली दिन लॉन्ली प्लेस, लॉन्ली प्लेस माने सुनसान जगह पर रहता है वहाँ पर अकेला नहीं आएगा प्लेस, एंड प्लेस आउटसाइड द टाउन शहर के बाहर रहती है। शी वॉज वेल नोन फॉर हर अनमैचेबल विजडम एंड नॉलेज, अब वो अच्छी तरह से जानती है परिचित है इस बात से कि हम अनमैचेबल हैं, कोई मेरा उदाहरण मेरे से मुकाबला करने वाले और दूसरे नहीं है समझ गए, अनमैचेबल कोई इसके तरफ नहीं। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं समझे, क्या क्वेश्चन है, टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन, कब उनको प्राप्त हुआ कब वो रिसीव किए, एक ही है 1990 है 1992 है 1993 आंसर हम दे दिया है 1993 में समझे ना शीर्ष से। अब आइए वंस अपॉन ए टाइम हैज बीन रिटन बाय, इनके द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ देखिए हुमायूं कबीर है लीफ डॉट स्ट्राइप, अभी क्वेश्चन कौन हो जाएगा टोनी मॉरिसन हो जाएगा ना, टोनी मॉरिसन देखिए इसमें आंसर दे दिया है सी में। अब आइए इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द ओल्ड वुमन डिड नॉट नो, यानी इस वंस अपॉन टाइम में ओल्ड वुमन जो है बूढ़ी औरत नहीं जानती थी द डैश ऑफ हर विजिटर्स, विजिटर्स आगंतुक आने वाले समझे ना, वो वर्जन मोटी समझे ना मॉकरी थॉट, इसमें से कौन होगा
उनके मकसद को, उद्देश्य को नहीं जानते थे, वही ना होगा वर्सन नहीं होगा, मोटिव हो जा रहा है यानी कि मोटिव माने उद्देश्य, किस मकसद से वो आए थे, वो आए थे उन लोग पूछने के लिए ये सवाल कि ऐसा सवाल करो उससे जो अपने आप को बड़ी बुद्धिमान सब लोग समझते हैं, तो उसको धराशायी करो, उसकी जो यानी कि पॉपुलरिटी जो इतना लोकप्रियता बढ़ गया कि बड़ी बुद्धिमान है, तो ऐसा सवाल करो कि जिसका वो जवाब ना दे सके, यही उद्देश्य था उनका। माफ करिए, मोटिव हो जाएगा दिन है। अब आइए इससे कंसर्निंग जो है संबंधित क्वेश्चन भी आए हैं, वो देखिए बस वाई विल सम यंग पीपल विजिट हर, क्यों कुछ युवा लड़के उनके पास क्यों आए थे। आंसर, सम यंग पीपल विजिटेड हर टू टेस्ट हर इंटेलिजेंस, वो टेस्ट जांचने परखने के लिए आए थे कि कितनी बुद्धि का है जरा हम भी देख लें, इस उद्देश्य से आए थे, समझ गए। दे वांटेड टू प्रूव दैट, उनका उद्देश्य था, जो चाहते थे, क्या चाहते थे कि दैट शी वाज फ्रॉड हु चीटेड पीपल, इसको टू प्रूव, दे वांटेड टू प्रूव, ये साबित करने प्रमाणित करने के लिए कि दैट शी वाज फ्रॉड हु चीटेड पीपल, कि वो फ्रॉड है, झूठा है, धोखेबाज है, अब तक लोगों को धोखा देते आई है, यही उद्देश्य था, कैसा साबित करूँगा मैं, सवाल पूछ करके जवाब दे दे, वही उद्देश्य था। अब आइए, व्हाट डज द ओल्ड वुमन नो अबाउट अ यंग पीपल इन वंस अपॉन अ टाइम, और वो क्या जानती है, व्हाट डज द ओल्ड वुमन नो अबाउट द यंग पीपल, यानी नौजवान के बारे में क्या वो जानती है, थी है। अब इसका देखिए आंसर है, द ओल्ड वुमन कैन नॉट सी हर विजिटर्स बिकॉज शी इज ब्लाइंड, विजिटर आगंतुक जो आए थे उसको तो वो जानती नहीं थी, इसलिए वो अंधी थी, कैसे देखती कौन है क्या नहीं, समझ गई। शी डज नॉट नो देयर कलर जेंडर ऑफ होमलैंड, यहाँ तक वो ये भी नहीं जानती थी कि किस रंग के गोरे हैं, काले हैं, क्या हैं, और फिर जेंडर यानी मैस्कुलिन फेमिनिन यानी कि पुरुष हैं कि महिला है, क्या है, और होमलैंड किस जगह के वो निवासी हैं, होमलैंड कहाँ, वो भी नहीं जानती थी। शी डज नॉट नो व्हाट इज इन देयर हैंड्स, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानती कि उसके हाथ में क्या, कहाँ तक मेरे हाथ में क्या है, अभिनंदन क्या चीज़ है, तो वो भी नहीं जानती उसके हाथ में क्या है, क्योंकि वो अंधी थी। शी ओनली नोज, वो केवल यही जानती है, क्या जानती है, डैट दे वांट टू मॉक हर, क्योंकि ये सब जो आए हैं मेरा मजाक उड़ाने के लिए, उपहास करने के लिए, वो ये समझ गई थी, समझे, उसकी भाषा से उसने पूछा ना कि व्हाट इज इन माई हैंड यू टेल मी, बट हाउ कैन दैट वुमन टेल सिंस शी वॉज ब्लाइंड, कैसे बोलती हूँ, तो अंधी थी बेचारी। हु इज द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमन, उसके पिताजी कौन है, समझे ना, हु इज द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत के पिताजी कौन है, यहाँ देखिए, द फादर ऑफ द ओल्ड वुमन इज ए ब्लैक अमेरिकन, उनके पिताजी ब्लैक अमेरिकन, काले अमेरिकन, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, रेड इंडियन जिसको कहते हैं, समझ गए, वो अब वो स्लेव है, दासी है, गुलाम है, वही उनके पिताजी थे, समझे ना। अब मार्था पोएम का, समझ गया, मार्था पोएम, मार्था ये पोएम है, आपने आपको लोगों को पढ़ना है, इसके लिखने वाले राइटर है वाल्टर डे ला मेयर, बहुत विख्यात, बहुत लर्नेड, बहुत पोएम उन्होंने लिखा, वाल्टर डे ला मेयर का पैदा हो गया 1873 ईस्वी में, ही वॉज बॉर्न, और इन 1956 ही डाइड, और 1956 में उनका देहांत हुआ। ये मॉडर्न पोएट, वो मॉडर्न पोएट है, आधुनिक है, समझ गए, वाज ए कंजीव, वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर पोएट्स ऑफ हिज एज, वो बिल्कुल अलग थलग है अपने एज के, जो कंटेम्पोररी जिसको कहते हैं समकालीन अपने में, उससे एकदम अलग थलग है वो, समझिए ना। लाइक ए कंज्यूरर कहते हैं जादूगर, समझे, लाइक ए कंज्यूरर ही क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ मिस्ट्री, वो इस तरह के प्रकार के एटमोसफेयर वातावरण बनाते हैं, रचते हैं मिस्ट्री का, मिस्ट्री माने रहस्य का, मिस्ट्री का नहीं, मिस्ट्री, एम वाई एस टी ई आर वाई, मिस्ट्री माने रहस्य, रहस्य मनी मिलानी, रहस्य मिस्ट्री,
हियर एक्सपीरियंस इज लाइक अ ड्रीम, जहाँ पर अनुभव जो एक्सपीरियंस वो लाइक अ ड्रीम है, सपना के मानिंद है, स्वप्न के मानिंद है, समझ रहे हैं। अमंग हिज पोएम्स, और उन्होंने जो जो कविताएं लिखी उनमें है द लिसनर, नाम है ये लिसनर, लिसनर माने द सुनने वाला, लिसनर नाम है बुक का, ये पोएम का। द एस्कियर स्क्रो, एस्कियर स्क्रो उसको कहते हैं जैसे कि खेतों में किसान लोग एक यानी कि ये बना करके आपके पुतला समझे ना, देखते हैं ना पुतला बना कर रख देते हैं, चाहे चिड़िया नहीं या चिड़िया समझे कि ये सब मालिक देख रहे हैं, उसको स्केयर करो कहते हैं ना कौवा। तो वो लिखा एंड अरबिया आर वर्थ मेंशनिंग, आर वर्थ मेंशनिंग है उल्लेखनीय है, समझे ना। अब पोएम में आइए, पोएम भी लिखा है मार्था का, मार्था बड़ा इंपॉर्टेंट है, पराया है इसमें से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, साल ही पूछा जाए मार्था से देखिए क्या है, उसमें से हम कविता का अंत लिया है मानस। अब यहाँ ये देखने की बात है कि वाल्टर डेलामियर जब भी अपने कविता को शुरू करते थे तो वंश से, वंश लिख के फिर थोड़ा देर ठहर गए, पॉज किए, फिर उसके बाद वंश अपॉन टाइम करते थे, ये नहीं वंश अपॉन टाइम नहीं, यहाँ नहीं लिखा था वंश, ठीक है। वंश अपॉन टाइम किसी जमाने में ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन में बार बार, मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज, मार्था यानी कि अपनी कहानियों को कहा करती थी, इन द हाइजल गेलन, कहाँ कहती थी हाइजल गेलन, हाइजल कहते हैं जैतून का एक पेड़ होता है, समझ गए ना, जैतून का पेड़ होता है ओलिव, वही जैतून के यानी के गेलन कहते हैं संकरी संकीर्ण घाटी, संकीर्ण मतलब बहुत संकरा एकदम पतला यानी घाटी, और वो हाइजल गेलन वहीं पर वो कहानी बैठ के कहती, उनको अच्छा लगता था वहाँ पर कहते, तो वो हाइजल गेलन में कहती थी हर सेवर दोस्त क्लियर गिरे आए, हर से आया है आपको मार्था के लिए, हर से उसकी जो आंखें थी क्लियर गिरे आए एकदम साफ, एकदम क्लियर गिरे आए भूरे रख के आंखें थी मार्था की, यू वॉच एंड द स्टोरी सीज आप, तुम देख भी सकते हो, वॉच मैंने देखना है, देख भी सकते हो दोस्त क्लियर गिरे आए, अरे उनकी यानी क्लियर आसने यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स, और फिर स्टोरी ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत सीन्स में प्रतीत होता है, लगता है देखने में लगता है, क्या लगता है टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, ये कहानी वो नहीं कह रही है मार्था नहीं कह रही है, बल्कि उनकी सुंदरता यानी कि पूरा बता रही है, सुंदरता इतनी सुंदर थी, और जब बोलती थी कहानियाँ तो लोग जो है आपको एक मंत्र मुग्ध हो जाते थे एकदम, समझे ना, ऐसा जादू था उनके यानी कि बोलने में, तो ऐसा लगता है इतनी सुंदरता सब कुछ बोल रही है बता रही है, समझ गया। Told by their beautifulness, ब्यूटीफुलनेस हो गया सुंदरता, सुंदरता उनकी यानी कुछ बताती थी, लगता वही वर्णन कर रही है इतनी सुंदर थी, अब फिर जिस कहानी कहती थी उस वक्त का यानी कि माहौल ही कुछ और हो जाता था। ट्रैंकिल, ट्रैंकिल कहते हैं शांत, ट्रैंकिल मीन्स शांति, आर एन टी आर ए एन टी यू आई ए, ट्रैंकिल माने शांत, शांति शांत लिख दीजिए एकदम, ट्रैंकिल शांत, ट्रैंकिलिटी हो गया शांति, ट्रैंकिल माने शांत, समझ गया, ट्रैंकिल इस प्रकार का यानी कि शांति होती थी, शांत के लगता है ड्रीम्स, हम लोग सपना देख रहे हैं कहानी नहीं सुन रहे हैं, सपना दे सपना देखता है ना अपनी तरह से। शीड सी, देखिए शी के बाद यानी कि कोमा से दिया हुआ है मतलब है, समझे ना, तो इसके मीन्स हो जाता है शी वुड, इसको शॉर्ट में लिख दिया है, समझे ना, अरे शीट सीट विथ हर टू स्लिम्स हैंड्स, वो जब बैठती थी तो अपने टू स्लिम, स्लिम माने दुबला पतला हाथ, स्लिम्स टू स्लिम्स हैंड, अपनी दोनों दुबली पतली पतली हाथों को लेकर क्लैश्ड राउंड हर बेंडेड नीज, क्लैश माने नहीं कि जोड़े हुए मुड़े हुए, अब इस तरह से वो बैठ करके बैठती थी, बैठिएगा तो घुटना पर हो जाएगा, तो उस पर हाथ इस तरह से रख करके वो कहती थी कहानियाँ, बच्चे सामने होते थे उस तरह से कहती थी, बेंडेड नीज दोनों यानी घुटने जो मुड़े होते थे इस तरह से बैठे थे उस पर यानी कि हाथ रख देती थी आपको यानी कि कहती थी। व्हाइल वी ऑन आवर एल्बोज, और वी आया है बच्चों के लिए, बच्चे कहना है क्या, और हम लोग जो हैं क्या होते थे जब वो कहानी कहते, व्हाइल वी ऑन आवर एल्बोज लॉर्ड, एल्बोज कहते हैं यानी केहुनी, केहुनी उसके लॉर्ड करके जमीन पर जब बैठिएगा इस तरह से लेटिएगा तो कुहनी करके देखते हैं जी ऐसे इस तरह पर कुहनी करके से देखते हैं, तो इस तरह से लॉर्ड माने कुहनी को टिकाए रखना, समझे ना, उसके बाद टिकाए हुए जमीन पर हम लोग सुनते थे एंड
स्टेयर्ड एट ईज, बड़ी यानी स्टेयर्ड एट ईज माने आसानी से उसको घूर घूर के उनको देखते थे, किनको, मार्था को, हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, और उनकी आवाज़ उनके नैरो ठुड्डी जो है, समझ गए, चीन हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, और उनके छोटे यानी लवली प्यारे सर, सींग हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ही सेड, ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी गोल सुंदर जो सर है वो लगता आधी कहानियों को बता देती थी, समझ गए। अब इससे भी कंसर्निंग ऑन द वाल्टर डेलमेयर हैज कंपोज द पोएम द स्लीपिंग पोर्टल मार्था एम्प्टी हार्ट ऑटोमेटिक मार्था लिखा डीप है इन द पोएम मार्था व्हाट इज द कलर ऑफ माय मार्था साइज किस तरह का रंग था ये ग्रे हो जाएगा ब्लू भी सब ग्रे कर देंगे मार्था टोल्ड हर स्टोरी इन द हेजल ग्लेन हो जाएगा हेजल ग्लेन में लगाती थी व्हाट इज द कलर ऑफ मार्था साइज मार्था के यानी कि आंखों का रंग क्या था द कलर ऑफ मार्था साइज क्लियर ग्रे क्लियर ग्रे आ रही है When Martha narrated her story, she would sit with how would Martha sit? कैसे बैठा करती थी मार्था When she narrated her story, जब वो कहानी अपना के नगर मन कहना जब वो कहानियाँ कहती तो कैसे बैठती थी तो When Martha narrated her story, जब वो कहा करती थी कहानियों को तो she would sit with slim hands clasped around her bent knees, वो बैठती जाती थी अपने घुटने को सटा करके उस पर दोनों हाथों को रख देती थी इस तरह से कहती थी अब आइए कोयल ये परिंदा है यानी पक्षी कोयल का पोएट्री है कोयल कोयल इसके लिखने वाले पूरन सिंह समझे ना और ये इसको पुरान सिंह पढ़िए या पूरन सिंह पढ़िए अब उसके बाद ये पंजाबी यानी के कवि हैं समझ गए अब आइए कोयल कोयल का यानी वो कविता है जो इसी का विषय है कोयल यानी वो एड्रेस कर रहे हैं संबोधित कर रहे हैं कवि कोयल What lightning fell? Lightning कहते हैं बिजली ऊपर से गिरता है उसको बिजली कहते हैं किस प्रकार की यानी कि बिजली तुम्हारे ऊपर गिरी समझे What lightning fell? यानी What lightning fell? किस तरह की यानी कि बिजली गिरी What singed thy wings? सिंह मैंने झुलसा दिया जला दिया What singed thy wings? दाई यहाँ आया है यानी कि तेरा के लिए यानी कविता में हम लोग लिखते हैं दाई दाओ आर्ट ये सब लिखते हैं ना तो वो कविता है इसलिए दाई यानी योर What seed the dying wings? यानी कि किस चीज ने आपके तुम्हारे विंग से दैने को पंख किस चीज ने जला दिया समझे What keeps thee fresh? और किस चीज ने तुमको एकदम फ्रेश तरोताजा रखा Yet charred फिर भी तुम जली गए charred माने जलाकर राख कर दिया कोयला कर दिया उसको charred करते बर्न माने जला देना और charred माने जलाकर कोयला बना देना समझे यट चार्ड जबकि तुम फ्रेश लग रही हो यट चार्ड लेकिन लग रही है कि जली हुई समझ गए कॉन्सील्ड इन द मैंगो लीव्स कॉन्सील्ड माने छिपा हुआ कॉन्सील्ड 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 मीन्स देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सी ओ एल सी ए ए एल ई कॉन्सील्ड माने छिपा हुआ छिपा हुआ कौन सी नीचा मैंगो लीव छिपे हुए हो तुम आम के पत्तों में दाओ सिंजस्ट जबकि जली हुई हो दाई हाई पीच दाई माने योर दाई हाई पीच माने बहुत ही कर्ण भेदी यानी कान को एकदम भेद करने वाला छेद कर देने वाला आवाज तीखी आवाज तेज आवाज उसको हाई पीच दे कहते हैं हाई पीच दे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कहते हैं कवि को कविता को समझे ना स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ से माने तनाव भी होता है मगर यहाँ कविता आई पीच द स्ट्रेंथ इस प्रकार की यानी कि कविता बेग इन माई सॉल थाउजेंड मेमोरीज हमारे अंदर जो आत्मा है दिल के अंदर है उसको हजारों बातों को याद दिला देती है तुम्हारी आवाज़ को कूकती है तो केस कूकती है जरा थाउजेंड मेमोरीज हजारों यादों को यानी कि मुझे स्मरण करा देती है वाई सो रेस्टलेस क्यों ऐसे यानी कि तुम बेचैन हो रेस्टलेस माने बेचैन तुम इतनी बेचैन क्यों हो That thy spark shedding notes, note के माने सुरीली आवाज नोट्स कहते हैं नोट यहाँ लिखने का नहीं सुरीली आवाज और वाई सोरेस इतनी बेचैन क्या हो That thy spark shedding, spark कहते हैं चिंगारी शेडिंग माने गिराना समझे ना स्पार्क शेडिंग जो चिंगारी उगल रहा है गिरा रहा है नोट्स गो फॉर किंडलिंग फायर अब गो फॉर आगे का किंडलिंग फायर किंडल माने जला देना फायर जो आग जला रही है जो गा रही हो ये कर रही है तो आग जला रहा है आग उत्पन्न कर रहा है लो लो मन से देखना
पोएम में जब भी लिख देते हैं तो सी नहीं लो लिखते हैं, है ना, एड्रेस भी करते हैं लो, लो मीन्स देखना, लो देखो, द रोजेज आर ऑन फायर, ये गुलाब के फूल जो है और ऑन फायर माने उसमें आग लगे हुए हैं, समझे ना, आग लगे हुए हैं, विच विंड्स एंड वाटर से कह, जिसको हवाएं और फिर वाटर से पानी जो है उसको पकड़ रही है, समझे, द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, और ये जो साये हैं आमों के वो बर्न जल रहे हैं, व्हाट रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दो, तुम किस प्रकार के रेन ऑफ स्पार्क को चिंगारियों की अंक वर्षा आर्ट दो तुम, ओ लिटिल बर्ड, ऐ छोटी चिड़िया, व्हाट रेन ऑफ स्पार्क, कोयल, फिर एड्रेस करते कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, किस प्रकार का यह लेकिन ये बिजली गिर रहा है, व्हाट सीड डाइविंग, सब किस चीज़ से तुम पर पंख को चला दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे से जाएगा, हु हैज कंपोज द पोएम, यानी किसने रचा, कंपोज ना रचना करना है ना, किसने यानी कि ये रचा रचना किया है कोयल को, यानी कोयल किसने लिखा है, लक्ष्मी प्रसाद देव कथा वाटर दे जाएगा, पूरण सिंह हो जाएगा, सी दिया हुआ, वेयर डज द कोयल सिंग, कोयल कहाँ गाती है, इन द एप्पल लीव्स, इन द गुआवा लीव्स, इन द बनाना लीव्स, कहाँ, इन द मैंगो लीव्स हो जाएगा, मैंगो पत्ती है ना, आम के पत्तों में ना गाती है, उसका डी आ जाएगा, द कोयल सिंग्स हैव बीन, क्या हो जाएगा, यानी कि कोयल के जो पंख हैं वो है भी कट कट चुके हैं, टॉर्च पकड़े गए हैं, चार्ज जला कर राख कर दिया गया, बंड का हो जाएगा, है चार्ज हो जाएगा, जला कर राख कर दिया, बंड नहीं होगा, चार्ज हो जाएगा, इसलिए कोयल में चार्ज, अब कोयल अगर इससे क्वेश्चन आएगा सर, तो व्हाट मेक्स ए थाउजेंड मेमोरीज इन द हार्ट, किस कौन सी चीज़ है जो हार्ट में हृदय में जो है हजारों प्रकार के स्मर ने जो है यानी कि यादों को उत्पन्न करती पैदा करती, कौन सी चीज़ है, द हाई पिच्ड सॉन्ग ऑफ कुकू, कुकू माने कोयल, वहाँ वो कोयल लिखे ना, कुकू की मीन्स कोयल होता है अंग्रेजी में, द हाई पिच्ड सॉन्ग ऑफ कुकू मेक्स अ थाउजेंड मेमोरीज इन द पीपल पोएट्स द हार्ट, यानी कि ये हाई पिच्ड बहुत ऊंची आवाज़ जो है कुकू की कोयल की वही उत्पन्न करती है उनके हृदय में हजारों प्रकार के यादों को, वाट चार्ड, वाट चार्ड द विंग्स ऑफ द कोयल, किस चीज़ ने जला कर राख कर दिया कोयल के विंग को, द फायर ऑफ लव, यानी कि प्यार का लव जो है यानी कि जो फायर है आग चार्ड द विंग्स ऑफ द कोयल, कोयल के ने जला दिया, द बेट, अब आइए द बेट, बेट के माने होता है शर्त लगाना, शर्त सरकंदुक लगाते हैं ना इसको बेट करते हैं, अब दे बेट है एंटोन चेखव, ये लिखते हैं राइटर, समझिए, द रशियन ऑथर एंटोन चेखव वाज बोर्न ऑन जनवरी 1760, रशियन रूस के ये राइटर हैं, लेखक हैं, जिनका जन्म 17 जनवरी 1860 को हुआ, कहाँ हुआ, इन पैगाम नोरोग, इन साउथ रशिया में पैगाम रोग है, जगह का नाम है वहाँ, वो सौ गतनी यानी रशिया हुए, ऑन द आइजोव सी, आइजोव सी के पास, ही इज अमंग द मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड ड्रामेटिक्स इन हिज स्टोरी, वो उसमें हैं उन लोगों में शामिल हैं जो शॉर्ट राइटर यानी कि लघु कहानियाँ जो उन्होंने लिखी हैं उनमें से एक ये भी राइटर है जिन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, ड्रामेटिक्स, द बेट इज ए नाइस स्टोरी रिटन बाय द फेमस रशियन राइटर एंटोन चेखव, इन दिस स्टोरी रिच बैंकर गिव्स ए पार्टी वेयर अ डिस्कशन अरोज अमंग द गेस्ट एंड द हॉस्ट रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट एंड द लॉ, ये एक ऐसी रुचिकर कहानी है, रुचि पैदा करती है कि इन्होंने लिखा है कि एक दफ़ा एक बैंकर ने, बैंकर जो कहते हैं बैंक रखने वाले, तो उसने एक बहुत बड़ा निमंत्रण किया अपने दोस्तों को बुलाया जिसमें बहुत से आया, जिसमें एक लॉयर भी आया यानी कि वकील भी आया, अब बहस डिस्कशन जो छिड़ी इस पर कि कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं मौत की सजा, फांसी की सजा ये नहीं देनी चाहिए बल्कि इसके जगह पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास दिया जाए, उम्र कैद की सजा उसको दे दी जाए, इसी पर बहस हुई, समझे ना, एंड द हॉस्ट रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट एंड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मोस्ट ऑफ द गेस्ट सवर इन फेवर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अधिकतर जो मेहमान जो थे वो इसके फेवर में थे, समर्थक थे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उम्र कैद की सजा दी जाए, दे कंसिडर इट मोर ह्यूमन दैन एग्जीक्यूशन, ह्यूमन कहते हैं मतलब है कि मानवी, समझे ना, ह्यूमन यहाँ मानवीय एडजेक्टिव है और ह्यूमन माने मनुष्य भी होता है, दोनों होता है, मगर यहाँ पर ह्यूमन मानवीय है, यानी ये मानवीय है, इंसानियत तो ठीक है, बड़ा काफ़ी मरा दो मौत नहीं दिया गया बल्कि आजीवन कारावास कर दिया गया है, समझिए, एग्जीक्यूशन कहते हैं फांसी की सजा या कत्ल कर देना, मार देना, एग्जीक्यूशन वो नहीं हो, बट द हॉस्ट डिसएग्रीड टू देम, लेकिन हॉस्ट किसको कहते हैं जिन्होंने दावत किया,
एक तो गेस्ट हुए मेहमान, और जिसको जो दावत करता है, निमंत्रण करता है, उसको हॉस्ट करते हैं। वो जो है डिसएग्री टू देम, वो इन बातों से वो सहमत था, असहमत था। द डिस्कशन टर्न इनटू बेट, अब ये डिस्कशन बढ़ते तो फिर ये पर आ गया शर्त पर। यंग लॉयर बिकेम रेडी टू स्टे लोनली इन द सेल एज ए प्रिजनर फॉर 15 इयर्स। तब फिर इसी बीच में वो उसने एक यंग लॉयर उठाए, युवा, कहा ठीक है लाइफ इंप्रिजनमेंट, यानी हम 15 साल यानी कि एक सेल में यानी कमरे में रहेंगे 15 साल अकेले, समझ गए। ये हुई 15 था, एंड इफ ही सक्सेसेड टू डू सो, बैंकर ने कहा कि अगर तुम इसमें कामयाब हो गए, सफल हो गए, तुम 15 साल वापिस रह जाओगे तो क्या हो जाएगा, द रिच बैंकर वुड हैव टू पे हिम 2 मिलियन रूबल। रूबल कहते हैं जैसे यहाँ रुपीस है, डॉलर है होता है अमेरिका में, वहाँ रूबल है। तो कहा कि हम 2 मिलियन यानी कि हम रूबल पैसा तुमको देंगे अगर तुम 15 साल रह गए। सो रिच द बैंकर वुड हैव टू पे हिम, द लॉयर बिकेम सक्सेसफुल टू लिव लॉन्गली इन सेल फॉर 15 इयर्स। इस प्रकार यानी कि वो लॉयर जो है वकील जो 15 साल रह चुका, कामयाब हो गया, सफलता, मीनवाइल द रिच बैंकर हैड टर्न्ड इनटू एन ऑर्डिनरी बैंकर। और उसी दरमियान उसी घड़ी ऐसा हुआ जब उधर 15 साल उसका हो गया, तो इधर जो है यानी के जो बैंकर था वो अब उसका दिवालिया हो गया, मतलब है कि वो गरीब हो गया, उतना उसका पैसा नहीं रहा कि 2 मिलियन उसको दे सके। अब क्या हुआ, ही फियर टू पे बैक द मनी ऑफ द डेट बिकॉज ही वुड गो रिच। अब वो डरने लगा कि हम पैसा कहाँ प्लान कर, हम जो पैसा है दे देंगे तो हम तो फिर एकदम सड़क पर हम आ जाएंगे, वो डर हुआ। अब आइए जाके तो फिर उसी तरह से वो करता है, मगर उधर जो है क्या होता है यानी कि लायर जो है बड़ा अकलमंद रहता है, वो 15 साल रहा, इतनी किताबों का यानी कि अध्ययन किया, ये किया कि अब उनको दुनिया से भी यानी कोई यानी कि मोह नहीं रहा, अब वो दुनिया से एकदम ये हो गया। तब उसने ये 5 मिनट पहले उसने लिखा कि मैं यानी कि नोट लिखा कि मैं इस जेल से यानी कि सेल में जो अब तक हूँ मैंने काम किया, मगर हम 5 मिनट पहले ही हम यानी कि इसमें से निकल जाएंगे इसका उल्लंघन करते हुए, जो 15 साल का ये मैं था, जैसे हुआ था कि 1 मिनट ही पहले तुम निकल गए तो तुमने इसका ये कर दिया था, कहा कि हम 5 मिनट कर चुके हैं, हमको नहीं लेना ये लिखा। और यही बात यानी कि बात फैल गई गार्ड ने कहा आप बैंकर को कि वो तो भाग गया कैदी, अब इसको यकीन नहीं हुआ, खुद देखने के लिए गया तो देखा कि नोट रखा हुआ है, अब उसको लिया हुआ अपने तिजोरी में से अपना। अब इससे कंसर्निंग आएगा द बेट इज ए स्टोरी अबाउट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा द बेट इज ए स्टोरी अबाउट, किस प्रकार की कहानी, किस चीज़ के बारे में, ये बैंकर एंड डॉक्टर इज ए स्टोरी अबाउट, इसमें बैंकर एंड डॉक्टर में है, लॉयर एंड डॉक्टर में है, बैंकर में बैंकर एंड लॉयर में हो जाएगा। ये जो बेट जो चला था शर्त किस में, बैंकर और लॉयर में चला था ना, है ना। दूसरा है रशियन ऑथर एडवर्ड चेखव वाज बोर्न ऑन कब हुआ था, इनका जन्म जनवरी 1760 हुआ था, ए में हो जाएगा इसका। द बेट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द, और ये बेट वाज स्ट्रक यानी कि शर्त किसमें दोनों में हुआ, बिटवीन यानी द बैंकर एंड द लॉयर में हुआ ये बैंक यानी कि शर्त। व्हाई वाज द बैंकर अफ्रेड ऑफ द लॉयर, क्यों वो डर गया था लॉयर से, बैंकर क्यों, इसलिए द बैंकर वाज अफ्रेड ऑफ द लॉयर बिकॉज द लॉयर हैड कंप्लीटेड द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वेरी ऑनेस्टली, चूंकि वो लॉयर जो है उस टर्म को शर्त को 15 साल तक यानी मतलब है अच्छी तरह से ईमानदारी से निभाया था, द बैंकर हैड नो अदर ऑप्शन बट टू ऑनर द लॉ, द बैंकर वाज अफ्रेड ऑफ द लॉयर बिकॉज द लॉयर हैड कंप्लीटेड द टर्म्स, गला क्यों तो कंप्लीट कर दिया है मतलब एग्रीमेंट को यानी क्योंकि 15 साल वेरी ऑनेस्टली, एंड द बैंकर हैड नो अदर ऑप्शन बट टू ऑनर द डेट, और उसके पास ये था ऑनर द बेट। अब बैंकर के लिए ज़रूरी था कि हम जो वादा किए हैं उसको हम पूरा करें, इसलिए वो एफरेट था, समझ गए। अब आइए देखिए सन एंड द मून, है ना, द सन एंड मून, सन यानी लड़का का नाम है, अब मून जो है कैथरीन मैंसफील्ड के लिखने वाले हैं, ठीक है। 1888 में इनका जन्म हुआ, 1923 में इनका देहांत हुआ। सन एंड मून इज द फाइव स्टोरी बाई द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर कैथरीन मैंसफील्ड, बहुत ही विख्यात राइटर जो है लेखिका लेखिका है ये कैथरीन मैंसफील्ड, हु फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट रशियन राइटर एंटोन चेखव, जिन्होंने उसी के नक्शे कदम पर चला जिस तरह से एंटोन चेखव लिखते थे कहानियाँ, छोटी छोटी कहानी इसी तरह से ये भी लिखा इन्होंने बच्चों के लिए, समझे, द ग्रेट रशियन राइटर। दिस स्टोरी प्रोब्स वेल इनटू द चाइल्ड साइकोलॉजी इन विच द राइटर पोजेस मास्टरी, अब वो चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बच्चों का जो यानी कि मनोविज्ञान है, बच्चों किस प्रवृत्ति के होते हैं इसके बारे में उनको बड़ा ज़्यादा पकड़ कर मास्टरी थी, वो इसी तरह लिखे हैं बच्चों कैसे होते हैं, समझ गए। इन आई पार्टीज अरेंज इन द हाउस विद ग्रेट पॉम्प, एक शाम में यानी कि रात में एक पार्टी का
व्यवस्था की गई, अरेंज किया गया। पॉम्प एंड शो बड़ी ठाट बाट से, पॉम्प एंड शो यानी कि ये परेज है, पॉम्प एंड शो माने बड़ी ठाट बाट के साथ, वैभव के साथ, वैभव के साथ यानी कि ये हुआ। विद कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट माने मनोरंजन करने के लिए गाने बजाना, उसको कॉन्सर्ट कहते हैं। और उसमें गाने बजाने का भी यानी व्यवस्था थी। द चिल्ड्रेन ऑफ द हाउस आर नॉट सपोज टू इंटर द पार्टी एज इट इज ऑलरेडी मेड फॉर देम। अब बच्चों को यानी कि अनुमति नहीं दी गई थी कि बच्चे इसे पार्टी में शामिल हो, बल्कि ऊपर घर पर रहें पड़े हुए कमरे में, इसलिए यहाँ यानी कि आपको व्यवधान ये सब पैदा नहीं करें, बच्चे रहेंगे तब, इसलिए उनको अनुमति नहीं थी पार्टी मानने की। पार्टी नीचे हो रहा था। एज इट इज ऑनली मेड फॉर द चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग द बॉय सन एंड हिज सिस्टर मून आर वेरी क्यूरियस टू नो द किंग्स एंड लॉर्ड्स ऑफ द पार्टी। अब ये जान लीजिए चीज को अच्छी तरह से कि सन लड़का है, अमून लड़की, इतना जानना है, समझे ना। तो सर क्या है, अब तो जब बच्चे को अनुमति नहीं मिली नीचे जाने का पार्टी में, तो उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ी कि क्या बात है आखिर है भाई, जिस चीज़ से हमको मना किया जाता है उस चीज़ को ज़्यादा जिज्ञासा, क्या बात है कि हमको मना किया गया। बच्चों में ये चीज़ का यानी कि उत्पन्न हुआ हृदय में, दिल में, क्या बात है। और याद रखिए इसमें ये दिखलाया गया है कि बच्चा जो होता है लड़का, वो ज़्यादा यानी कि आक्रामक मुद्रा में होता है, किसी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। और बेटियां जो थी उसकी तुलना में सकारात्मक, मतलब उतनी जिद नहीं, जो मिल जाता है जो हो जाता है। ये चीज़ दर्शाया गया है कि सन कैसा है, मून कैसी है। अब उसके बाद तो उसमें यानी कि ये किया गया है। अब उसके बाद बच्चों को नहीं आता है, बच्चे कब जाते हैं, शाम में जाते हैं, रात में अनुमति होती है। तो जब देखते हैं बच्चे तो सब कुछ इधर उधर पसरा हुआ है हर कुछ, तो बहुत गुस्सा हो जाता है सन कि ये सब क्या चीज़ है, ये चाहे बड़े रोने चिल्लाने लगता है। मून जो लड़की जो है, मून हमें वो जो कुछ मिलता है वो चुपचाप ले लेती है इसको, चुपचाप खाने उने लगती है, चुपचाप रहती है। यही चीज़ दर्शाया गया है। फिर चूंकि सन बहुत रो चिल्ला रहा था, उसको ऑर्डर हुआ उसको कि भाई लेके जाओ ऊपरे घर पर, समझे। ये हुआ सन का। अब आइए, सन एंड मून इज रिटन बाय किसके द्वारा लिया गया है सन एंड मून, अब आसानी से बता सकते हैं। कैथरीन मैनसफील्ड, ये सब प्रकार इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन, इन स्विन एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम February 16th, उसमें हो सकता है सब क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कैथरीन मैनसफील्ड लिखा हुआ है जिसका लिखा आंसर है इन द स्टोरी सन एंड मून हु गॉट स्कॉल्डेड, गॉट स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड माने डांटना, गॉट स्कॉल्डेड किसको डांटा गया, यानी हु गॉट स्कॉल्डेड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में डांट किसको पड़ी। सन ऑनली, मून ऑनली, बॉल सन एंड मून, आपको बता दिया कि मून बेचारी बहुत सीधी सादी थी, जो मिल जाता था तो डांट उसी को पड़ा हुआ ना, सन को ना पड़ा हुआ, सन ऑनली, ये सन ऑनली पहले को पड़ा है ना, सिर्फ केवल सन ऑनली लिखा हुआ, इसलिए केवल सन को पड़ा, समझे ना, आप किसी को नहीं पढ़ा। अब आइए, मून इज हेयर, ए मून क्या है, यहाँ बॉय है, गर्ल है, कौन होगा, मून गर्ल होगा ना, गर्ल हो जाएगा। वार्ड क्वेश्चन आंसर से आएगा, वो ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन जिसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको चुनना है। अब इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, वार्ड डिड सन एंड मून सी इन द आफ्टरनून, वार्ड डिड सन एंड मून सी इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आफ्टरनून दोपहर में क्या देखा, सन एंड मून सॉ ए लॉट ऑफ एक्टिविटी इन देयर हाउस, यानी सन और मून ने क्या देखा, लॉट ऑफ एक्टिविटी यानी बहुत से यानी चहल पहल, एक्टिविटी बोला चहल पहल, बहुत देखा, कब देखा, दोपहर में, देयर हाउस अपने घर में, इन द आफ्टरनून लोकल ए बिग कार्ट ब्रॉट मेनी गार्डन, कार्ट कहते हैं छकड़ा गाड़ी होता था, जैसे चार चक्का वाला ऐसी होता है ना ठेला, उसी को कार्ट कहते हैं ठेला वाला, उस पर यानी के सामान को लाते हुए बिग कार्ट ब्रॉड मेरी गोल्डन चेयर, बहुत सुनहरे रंग के कलर के चेयर कुर्सियाँ, एक यानी ठेला गाड़ी पर आया यानी घर में उनका, एंड सेवरल पीपल ब्रॉड फ्लावर पॉट्स ऑन देयर हेड, कई लोग जो हैं अपने सर पर उठाए हुए फ्लावर पॉट्स यानी गमला को सर पर लिए हुए प्रवेश किए, देखा दोपहर में। Why were sun and moon not allowed in the party at their house? क्यों सन एंड मून को अनुमति पार्टी में शामिल होने क्यों नहीं मिली? हमें क्यों नहीं मिली? सन एंड मून were not allowed to attend the party, नहीं उस पर अनुमति मिली पार्टी अटेंड करने के लिए at their house, अपने घर में रखे। As their parents thought, चूंकि उनके अभिभावक ने यानी के यानी माँ बाप ने सोचा, क्या सोचा, That they should not see the behavior of adults and the party, कि वो जो है इसके पार्टी होते हैं तरह तरह के प्रकार के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, हंसी मजाक चलता है, वो नहीं चाहते थे उनके अभिभावक कि हमारे बच्चे आए ये सब देखें मजाक उजाक ये सब, बताएं ना, कोई इसको नहीं, उसी के लिए नहीं अनुमति मिली थी लोगों को। अब आइए देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक का आप इसको परिचय करा देता चाहता हूँ।
कि अक्सर यानी कि हमेशा आता ही है कौन है राइटर, किस रिलेशन के, किस कहानी क्या है, इसलिए उसको तो हम कंठस्थ कर लेंगे। अब वहाँ नहीं है पाँच छः तो आपको एकदम ऑटोमेटिकली यू कैन गेट दिस नंबर्स इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड द एंटायर राइटर्स नेम, है ना, आसानी से आप करते हैं। इसको तो एकदम याद कर लीजिए ना, कौन कौन है, इससे क्या क्या है, परोस में आइए, समझे ना, परोस कहते हैं गद को, अब पोएम कहते हैं पद्य को। अब यहाँ देखिए द प्लेस फॉर लिविंग इसे बोलते हैं आरसी हचिंसन, एकदम याद रखिए। उसके बाद है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इकोलॉजी जॉन लैक्सो है ना राइटर, बिल्लू का महादेवी वर्मा है, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म सत्यजीत रे है, एक्सेप्टेंस स्पीच आम सोल्यूशन पी है, वंस अपॉन ए टाइम टोनी मॉरिसन है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर है, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन डीप टॉरस पाइक, इसको एकदम याद कर लीजिए, समझ गए। अब आइए पोएट्री में सेक्शन में, गॉड मेड द कंट्री, इनके एग्जाम्पल है विलियम कॉपर, ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप है, पॉलीथीन बैग दुर्गा प्रसाद पांडा है, थिनर देन क्रेसेंट विद्यापति जी हैं। अभी आइए यहाँ द एम्प्टी हार्ट, पेरिया स्वामी पुरन है, कोयल पुरन सिंह है, द स्लीपिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है, मार्था वाल्टर बेरा मेयर है। अब आइए सप्लीमेंट्री रीडर को, पतली वाली जो बुक उसमें होता है, जनवरी नाइट प्रेमचंद लिखने वाले हैं, है ना। उसके बाद एलर्जी, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, द बेट एंड टॉम चेकऑफ, क्वालिटी जॉन ग्लाइस ग्राइस वर्दी, सन एंड मून कैथरीन मैंसफील्ड, टू हराइजन बिना पनीर मोहंती, लव डिफाइड, समझे ना, बाई गिरिधर झा द्वारा, अग्रीन थिंक एंड एंजॉय, उसी में है, समझे ना, सप्लीमेंट्री में। स्पेयर द रॉड लिखने वाले हैं डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, अखीर है द लास्ट लीफ फॉर एवरी, समझे ना, ये सब राइटर का लिख लीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब इससे संबंधित यानी क्वेश्चन भी और भी दिया जाएगा, वो सब भी आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।